समर्थ का प्लान हुआ फेल और अभिषेक के ढेर सारे फॉलोअर्स हुए गेन। जे दोस्तों बात करें बिग बॉस 17 की, तो यहाँ पर समर्थ जुरैल ने एक बहुत ही खतरनाक वाली चाल चली थी अभिषेक को लेकर, कि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा पोक किया ताकि गुस्से में आकर अभिषेक जो है वो उन पर हाथ उठा दे और फिजिकल होने की वजह से बिग बॉस उन्हें घर से बेघर कर देंगे। पर दोस्तों यहाँ पर समर्थ जुरैल का प्लान जो है वो बिल्कुल उल्टा ही पड़ चुका है, और जहाँ पब्लिक की तरफ से हेट मिलने चाहिए थे अभिषेक को, वही पब्लिक जो है वो फुल सपोर्ट करती हुई नजर आ रही अभिषेक कुमार को। या दोस्तों पूरे इंडिया, यहाँ तक कि बोल सकते पूरी दुनिया से अभिषेक कुमार को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा, और अभिषेक कुमार ने अपने एलिमिनेशन एविक्शन के बाद से जितने फॉलोअर्स गेन किए उतनी तो आज तक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें अभिषेक कुमार के एनालिटिक्स की, तो यहाँ पर उनके इंस्टाग्राम पर पिछले 4 दिनों में इतने ज्यादा फॉलोअर्स गेन हुए दोस्तों, जिसे देखकर अभिषेक भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे जब वो घर से बाहर निकलेंगे। या दोस्तों पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4th दिन में उन्हें मिले थे 75,000 फॉलोअर सिर्फ 1 दिन के अंदर। उसके बाद उन्हें मिले थे 1,71,000 फॉलोअर। उसके बाद उन्हें मिले थे 1,47,000 फॉलोअर। उसके बाद उन्हें कल मिले 1,23,121 फॉलोअर। यह दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जब से उनका एविक्शन हुआ है, जब से उन्होंने थप्पड़ मारा है समर्थ जुरैल को, ये चीज़ इतना ज़्यादा वायरल हुआ, ये चीज़ इतना ज़्यादा सपोर्ट किया गया पब्लिक की तरफ से, यानी कि अभिषेक को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला पब्लिक की तरफ से, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 4 दिनों में अभिषेक ने लगभग 6 से 7 लाख फॉलोअर्स गेन किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दोस्तों। क्योंकि जहां नॉर्मल डेज में उन्हें सिर्फ 20,000-30,000 फॉलोअर्स मिलते थे, वहीं समर्थ जुरैल को थप्पड़ मारने के बाद से अभिषेक को हर दिन 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स गेन हो रहे, और उनके फॉलोअर्स बढ़कर इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन हो गए। जी हां दोस्तों, समर्थ जुरैल को थप्पड़ मारना अभिषेक के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हुआ है, और इसी वजह से अभिषेक जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में है, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए, और उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी मिला है पब्लिक की तरफ से। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट पर, आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए खबरीमैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।